रही आज बहुत लेट हो गए हम लोग क्योंकि मेरे में बहुत दर्ज था तो मैं थोड़ा सा एक दो घंटे सो गई तो आज ना काफी टाइम हो गया और फिर लाइट भी गई थी दूध खाते घंटा अब गई थी वो भी पीछे लगा थे भाई आज जाना है घर सुबह से शोर मचाया हुआ था इसमें तो शुक्र है मेरे कबाब बना थे, वो रिया होता कबाब दे मेरे कबाब निकाल दी। ठीक है अच्छा आटा घुनावा नहीं होगा आटा गूंद देती हूँ अम्मी मुझे ये दे दें जग जरूरी है पानी

मगर कुछ लाइट भी चली गई कुछ बस हमारी भी देर हमारे तो ना ये सोच करें, हम जब तो सारा किचन जो है नीचे आ तो, फिर जाते हैं बस तो जी मैंने यहाँ पर जो है ना लाइफ रिकॉर्डिंग करी थी मगर बाहर गाड़ियों का काफ़ी शोर हो रहा था इस वजह से जो है मुझे दोबारा से वाइस ओवर करनी पड़ी है और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी दिनों से ना मुझे एक ख्वाब पलट पलट के आता रहता है कि एक औरत मेरे घर में आई है और उसने कुछ ना सांप के बच्चे मेरे सहन में छोड़ दिए जिससे मैं डर रही हूँ तो अगर आपको किसी को इसकी ख्वाब की ताबीर पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएगा कोई मशवरा दीजिएगा कि मैं क्या कुछ ऐसा पढ़ूँ जिससे जो है ना ये चीज़ ख़त्म हो जाए कि कोई अगर मेरा बुरा भी चाह रहा है तो वो इन शह के हुक्म से वो कुछ भी नहीं कर सकता बस अल्लाह का जो हुक्म होता है वही होता है मगर इंसान को सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए मैं मेरी झास्त से अगर किसी को फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा मगर मैं किसी के लिए कोई नुकसान का सोच भी नहीं सकती क्योंकि इंसान के जो है ना ये मसाफात अमल है अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो फिर पलट के ना हमारे साथ भी आ जाता है जहाँ तक के अल्फाज भी पलट के वापस आ जाते हैं हमारे साथ ऐसे भी लोग होते हैं जो जो काले पीले जो होते हैं ना उन पर भी जाने नहीं में जो अल्लाह माफ़ करें ऐसे लोगों की शर से बचाए क्योंकि दुनिया तो है ना दो दिन की है बाकी जो तो है आखरत तो हमारी अभी जो है ना जिंदगी वो होती है तो अगर किसी को इसी बारे में पता हो तो मुझे बताना तो जी ये दुनिया है और दुनिया में रह के हमें आखरत की तैयारी भी करनी है और ये तो चंद रोज़ा है बस और अल्लाह पाक हमें कुछ आजमाइशों से भी गुजारता है कुछ हमें ऐसे लोगों से भी वास्ता हमारा पड़ता है जो हमारी आंखें खुलती हैं जिससे हमें कुछ अकल आती है तो बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें बुरे लोगों की शर से महफूज रखे बुरे वक्त से हमें बचाए और सबको बचाए आमीन सुबमा आमिन तो जो यहाँ पे ना मैं जल्दी जल्दी आमलेट बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने तीन चार जो है ना बस अंडे फेंट लिए ताकि जल्दी जल्दी जो है ना हमारा काम हो सके शामी कबाब जो रखे हुए थे तो वो निकाल लिए तो ये जो है ना कम वक्त में काम आ जाते हैं अच्छा काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं शेरी में शामी कबाब नहीं बना रही और आज जो है फाक से देर हो गई तो हमने सोचा कि जल्दी से ना यही बना लेते हैं क्योंकि रात को भी जो है ना मैंने सालन नहीं बनाया था और मोता चली गई थी अपनी अम्मी के घर क्योंकि ना बहुत याद करा था अपने नानों को तो रोज़ा खोलने के बाद चली गई थी तो मैंने कहा चली जाओ तुम तो मैंने तो सोचा था कि तुम रुक जाना मगर वो यही होता है कि बच्चे को स्कूल भी जाना होता है और बच्चों के ड्रेस और बैग वगैरह सब कुछ जो होना होता है तो अब के रमज़ान में ऐसा हुआ कि स्कूल की छुट्टियाँ नहीं हो रही हैं और पेपर भी जो है ना बहुत करीब हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पिछले रमज़ान और उससे पिछले रमज़ान जो है ना कोरोना चल रहा था तो बड़े ख़तरनाक वो रोज़े थे सारा बाज़ार बंद था और छुप छुप के जो है ना औरतें शॉपिंग भी कर रही थी बाज़ार में तो वो जब याद आता है ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन से ज़माने की हम बात याद कर रहे हैं तो हम यही दुआ करते थे कि अल्लाह पाक रमज़ान की रौनकें बहाल हो जाएँ और ईद की जो रौनकें वो बहाल हो जाएँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब बाज़ार भी जो है तकरीबन बारह एक बजे तक खुल रहा है और होटल्स वगैरह सब कुछ जो है वैसे ही पहले की तरह से खुल रही है जो रमज़ान की रौनकें होती थी तो पिछले साल का जो हमें याद आ रहा था उसका सन्नाटा होता था और बड़ा खौफ सा आता था, था कि ये क्या हो गया तो बस ये अल्लाह की तरफ से कुछ आजमाइश होती है जो बंदों के ऊपर आती है तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अपने बंदों पे इतनी बड़ी आजमाइश न डालना कि वो पूरा ना उतर सके और वो जो है ना टूट ना जाए तो अब अल्लाह पाक भी जो है ना अपने बंदों से सत्तर गुना ज्यादा कहते हैं ना माओं से सत्तर गुना ज्यादा मोहब्बत करता है तो हदीस में है कि अगर बंदों को पता चल जाए ना कि अल्लाह पाक हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो वह बंदों का तो है ना बस कलेजा ही फट जाए, जाए। क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं दे सकती तो वो माँ ने तो सिर्फ हमें पैदा किया होता है हमें पाला होता है हमारी परवरिश करी होती है और अल्लाह ने तो हमारे जो एक जिसमें हमारी जान डाली है सब कुछ हमारे जो है ना एक एक रोम रोम जो है वो अल्लाह की अमारात है तो वो वाकई उसको जो है ना सत्तर माहों से ज़्यादा हमें मोहब्बत करता है तो जी यहाँ पे मैं आपको जो है ना ये दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का ये देसी घी है और इससे बड़ा वाला जो डब्बा है ना वो छत के ऊपर रखा है तो ये छोटा वाला डब्बा भी मैंने मंगाया था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं इसको पैकिंग खोल लेती हूँ और ये देसी काव घी है बहुत ही अच्छा है और छोटी पैकिंग में भी है बड़ी पैकिंग में भी है तो पराठे तो है ना इसी के अच्छे लगते हैं अच्छा इसका जो आ, अगर आपको मंगाना है ना तो इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप मंगवा सकते हैं टेन शमाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंट भी मिलेगा और ये देखें इसको मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छी खुशबू है जैसे ही मैंने सील पैक हटाया तो बड़े अच्छी खुशबू आने लगी है और तहसीन लगा कि अम्मी पराठे इसी में बनाना ऑयल में नहीं बनाना तो अभी मैं यहाँ पर जो है ना पराठे बना रहे हैं और शाम कबाब भी हमारे बन चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है बस जल्दी जल्दी काम जो है ना हमारा हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं अगर ऊपर जाऊंगी तो सारा सामान लेके जाने में मुझे एक घंटा लग जाएगा तो अभी टाइम कम है तो हम नीचे ही बना लेते हैं तो छत की जो है ना शाम को हमने रोज़ा खोलने के बाद सफाई वफ़ाई कर ली थी तो छत के ऊपर जो है ना हमारा बनाना बड़ी मुश्किल होता है क्योंकि एक चम्मच तक हमें ऊपर ले लेके जाना पड़ता है और फिर नीचे भी लेकर आना पड़ता है क्योंकि ऊपर जो है ना बर्तन धोने का जो सिंग लगा हुआ है ना वो काफ़ी सिलो पानी आता है तो एक घंटे में जो है पाँच छः बर्तन ही धुल पाते हैं बहुत सिलो पानी आता है तो हम कहते हैं नीचे जाके जो है ना बर्तन वाश कर लेंगे इस वजह से एक एक चीज़ हमें नीचे लेकर आनी पड़ती है तो आप लोग थोड़ी देर में हमारी वीडियो देख लेते होंगे मगर उसमें जो है ना हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है तो कोशिश तो हम यही करते हैं कि आपको जो है ना अच्छे से अच्छे कोई मैसेज दें अच्छी वीडियो बनाकर आपको दें अच्छी रेसिपी आपको बना के दें ताकि आप भी जो है ना उस रेसिपी को ट्राई करें और आप भी कहें कि वाकई बहुत अच्छी रेसिपी बनी है तो आपके ताउन से ही जो है ना मुझे हिम्मत बनती है और यकीन करें कि रोज़े की हालत में जो है ना ऐसा लगता है बस सारा जिसम जो है ना बिल्कुल जैसे कोई टूट रहा होता है ना जिसम इस तरह से लगता है फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है रोज़ा खोलने के बाद फिर सही हो जाता है तो कमज़ोरी भी जाती है वीकनेस भी जाती है लाजमत भी गर्मियाँ भी हैं और सैरी इफतारी और इसके साथ साथ दूसरे काम जो होते हैं ना ज़्यादा बढ़ जाते हैं सारी रूटीन जो है ना बिल्कुल अलग हो जाती है तो अल्लाह पाक से बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हिम्मत दे हमारी जो टूटी-पुटी इबादतें हैं उनको कबूल करें और कोशिश करना का चाहिए कि इस महीने में जितना हो सके आप अच्छे अच्छे काम करें छोटी छोटी कोई नेकियां करें क्योंकि ये वक्त हमारा बड़ा कीमती होता है और पलट के वापस नहीं आता कोई भी वक्त तो ये होता है जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे अमाल भी चल रहे हैं हमारे जो भी अमाल नाम है वो लिखे जाते हैं क्योंकि मरने के बाद जो है ना बिल्कुल भी हमें एक इतना सा लम्हा भी नहीं मिलता कि हम ये सोचें कि हम अल्लाह पाक हमें थोड़ी सी मोहलत दे दें और हम जल्दी जल्दी जो है ना अच्छे काम कर लें तो किसी को कुछ नहीं पता होता कि इंसान की जो है ना अब के साल हमें रमजान में नसीब होंगे या हमें कल हमारे साथ क्या होगा बस कहते हैं ना कि आगे की गैब का इलम तो अल्लाह को पता है किसी बंदे को नहीं पता मगर दुनिया में लोग आके ये समझते हैं कि अब हम दुनिया में आ गए तो बस हमें दुनिया में ही रहना है बस यहाँ ही हम दुनियादारी करते रहें और एक दूसरे की काट करते रहें एक दूसरे की बुराइयाँ करते रहें तो भाई इतना बड़ा सख्त गुना है ना किसी की गबत करना किसी की बुराई करना पीठ पीछे उसके लिए बुरा चाहना तो वो वो बंदा नहीं देख रहा मगर जो है ना अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं और हर वक्त उसको जो है ना एक जैसे कंप्यूटर में उसकी चीज़ें होती हैं ना उसका फीड होती रहती है उसकी हर चीज़ तो इसी तरह से हमारे जो भी नेकियां हमारी बदियाँ हैं ना वो सारे हमारे नेक अमाल जो भी है वो फरिश्ते लिख रहे होते हैं तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक रोज़े मेशर में हमारे जो नेक अमाल हैं उनका जो पलड़ा है ना वो भारी हो तो वहाँ पर लाजिम है तो वहाँ पर कोई किसी को अपनी नकियाँ नहीं देता ना ही अपना जो है ना किसी किसी के कोई काम आता है सब अपने ही उसमें पड़े होते हैं तो ये तो दुनिया में भी है ना हम देख लेते हैं कि भाई भाई के काम नहीं आता अगर कोई मुसीबत के वक्त में होता है और बहन के भी काम नहीं आता ऐसे हो जाते हैं जैसे बस अनजान हो गए अगर अल्लाह ना करे किसी के ऊपर बुरा वक्त पड़ता है तो ये हमारे लिए एक सबक है कि दुनिया में जब इस तरह से रिश्ते हमारा साथ छोड़ देते हैं तो रोज़े मशर में वहाँ पर हमारा कौन साथ देगा सिर्फ़ हमारे अमाल और जो हम कर चुके होंगे सिर्फ वही हमारे काम आएगा तो तो जी दुनिया तो मुख्तर है वक्त बहुत कम है कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की काम आए ताकि उनके दिल से निकली दुआएं जहाँ है ना वो हमें लगे और किसी गरीब की या किसी मोहताज की किसी ज़रूरतमंद की हम दुआ यानी हम मदद करते हैं ना तो उनसे जो दिल से निकली होती है ना दुआएँ वो सीधी दी पे जाती हैं क्योंकि वो दिल से दुआ देता है और दुआओं के लिए है ना जो इंसान पत्नी क्या क्या कुछ कर लेता है दुआ कह के, के नहीं मांगी जाती है दुआ जो होती है ना दिल से निकलती है जब हम किसी के हम काम आते हैं या किसी का हम कहना मान लेते तो बड़े कहते हैं ना कि अल्लाह पाक खुश रखे अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दे तो वही दुआ लगती है तो मेरी तो सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक शेरी के टाइम पर से ही दुआ मांगते रहती हूँ कि अल्लाह पाक जो भी हैं अल्लाह पाक सबको खुश रखे चले जी यहाँ पर हमारा दस्तर ख़ान जो है ना अभी लगने वाला है सैरी का और यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी आमलेट बना लिए पराठे बनाए शामी कह बनाए और चाय भी बना लिए तो आज की सैरी में हमारा ये है और आज माशा माशा जुम्मे की सैरी हम लोग कर रहे हैं यानी आज है छठे रोज़े की सैरी तो माशाल्लाह आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो और बड़ा अफजल जो है ना ये जुम्मे का दिन होता है रोज़े के दिन में अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करे रोज़ेदार की तो अल्लाह पाक ज़रूर दुआएं कबूल करता है जो हमारी जायज़ दुआएं होती हैं वो ज़रूर कबूल करता है तो यहाँ पर मैं चाय निकाल रही हूँ और जी जल्दी आज मैंने बस व्लॉग बना लिया वीडियो बना लिया आज मेरा वीडियो बनाने का आज इरादा नहीं था मगर फिर भी जो है ना बना ली तो जी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज